हो ही ना विषय विराग, जिभ्या का विषय खाना। अच्छा एक बात बताओ, जिभ्या का पेट भरता है कि पेट का पेट भरता है भोजन करने से? पेट का पेट भरता है कि जिभ्या का पेट भरता है? अगर भोजन स्वादिष्ट हो ना, पेट भर जाता है, लेकिन जिभ्या कहती है आन दे ने कर, और पड़ोसी वालों ने और कह दे ना और लेओगे का, बोले ले लूंगा, पेट ना ही कर रो मरेगो, डॉक्टर कितनी दूर है यहां से, अरे स्वाद है। आजकल तो सब अटैच है, प्रॉब्लम क्या है, ले ले, मतलब कुछ और समझ रहे हो आप, अटैच मतलब डॉक्टर पगल में ही रहते हैं, आगरा में तो डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा वहां तक पहुंच गए, वाह जी वाह, वाह जी वाह, अब पहुंच गए तो पहुंच जाओ, अगर ज्यादा खाओगे तो फिर कहां जाओगे, हैं? बिस्तर पे फिर नींद नहीं आनी ज्यादा देर, है ना, तो कम लेकिन नहीं, जीभ नहीं मानती, ये चाहती है और ले, पेट कहता नहीं, जीभ कहती हां, क्यों, ये विषय है इसका, पेट का विषय नहीं है स्वाद लेना, पेट तो एक गड्ढा है, उसमें कितना भी डाल दो, पेट क्या है, अंदर क्या है, एक गड्ढा है, अब गड्ढे में चाहे तुम रसगुल्ला डाल दो, चाहे गड्ढे में तुम मिर्च डाल दो, चाहे गड्ढे में तुम कूड़ा करकट डाल दो, गड्ढे का काम है भरना, तो पेट क्या है, एक गड्ढा है ये, तो इसमें जो डालोगे इसको तो अपनी पोर्शन तक लाना है, बस वहां तक आएगा तो ये कहेगा इनफ, लेकिन जिभ्या का पेट का मतलब दूसरा है, जिभ्या का मतलब है स्वाद, ये कूड़ा करकट नहीं खाएगी, इसे तो स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए तब ये आनंद लेती। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या 80 साल का बुढ़ा स्वाद लेना बंद करता है? कभी कभी बुजुर्ग भी कह देते आज तो मेरो हलवा खाए को मन कर रो है, कहां जाएगा हलवा खाए के, लड़वे जाएगा मैदान में, गोली बजावेगो, कुश्ती करेगो, करे हो कहा, ये हलवा खाए के, ये हलवा नौजवान है खबर, कम से कम काम करे, दिमाग तेज हो, नेक हष्ट पुष्ट रहे, लड़ाई है जाए तो जंग लड़वे चले जाए, तेरे का काम को ही हलवा। लेकिन सच यह है कि शायद जवान मना कर दे खाने के लिए, लेकिन बुजुर्ग नहीं करते, उनका जीव और भी स्वाद लेना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ लेती है कि अब दी एंड नजदीक है। पत्नी मना करती रहती है, डॉक्टर ने मना किया शुगर है, मत खा मत खा, फिर पति क्या जवाब देता जानते हो, अरे जिनके शुगर ना है बुना मरे का, भूखो चू मार रही है, खाए की मर जान दे, हैं जी कि ना जी, जवाब देओ जी, किसकी वजह से, जीव की वजह से, जीव स्वाद लेना चाहती है, और ये विषय है इसका, और ये इस विषय को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन योगी जन क्या करते हैं, एक महात्मा जी को मैंने देखा, एक संत जी भिक्षा मांगने जाते थे किसी के द्वार पर, वो देवी बहुत धर्मात्मा थी, डेली साधु महात्मा जी को भोजन कराती थी, लेकिन आज अमावस थी तो देवी जी को लगा आज बाबा जी को अच्छा भोजन कराऊंगी, तो उन्होंने खीर अलग बनाई, सब्जी अलग बनाई, पूड़ी अलग बनाई, सब कुछ बनाया, और कहा बाबा जी आज आप यहीं बैठो, मैं अपने हाथों से आपको जिमाऊंगी। बैठ गए, थाली पड़ोस के लाई, खीर अलग रखी थी, हलवा अलग रखा था, सब्जियां अलग रखी थी, पूड़ियां अलग रखी थी, और भी जो बने होंगे मुझे तो फिलहाल इतने ही याद आ रहे हैं, वही सब रखे थे, वो थाली में रख के ले आई, बोले बाबा जी भोजन शुरू करो, तो जानते हो बाबा ने क्या किया, उन सब को कमंडल में डाल दिया, उन सब को मिक्स कर दिया, और पा गए देवी इतनी मेहनत करी बाबा तेरे काज, हलवा अलग बनाया, पूड़ी अलग बनाई, खीर अलग बनाई, सब्जी अलग बनाई, और तेन सबने मिक्स करके एकदम खत्म, क्यों?
बोले स्वाद लेना संसारिक लोगों का काम है, अगर हम स्वाद लेने लग जाएंगे तो सत्य का जो मार्ग है वो हमसे कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा, इसलिए हमें स्वाद नहीं चाहिए। तुमने बनाई ये तुम्हारी भावना है, लेकिन मैं किस तरह से इसे स्वीकार करूं? देवी मेरा निर्णय मुझ पे ही रहने दो, मैंने तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद सब लिया है, छोड़ा तो कुछ नहीं। लेकिन देवी जब हमने घर छोड़ दिया उसी समय हमने जीव का स्वाद छोड़ दिया, और जब तक मेरे प्यारे हो तुम अपने जीव का स्वाद नहीं छोड़ोगे, आई प्रॉमिस यू कि तुम सच्चे मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि कभी ना कभी तो वो जीव तुम्हें दुख देगी। ये जीव का विषय है, स्वादिष्ट भोजन चाहती है ये जीव। नेत्र, आ जाइए जरा यहां, इससे भी खतरनाक है ये नेत्र। ये तो सिर्फ खाने की बात करती है लेकिन ये देखने का काम करती है। नेत्र क्या काम करते हैं? देखने का। तो प्लीज आप मुझे बताइए आप कैसा देखना पसंद करते हैं? प्लीज बताइए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप यहां बयान नहीं कर सकते और शायद मैं भी ना कर सकूं क्योंकि ये चीजें स्पष्ट नहीं की जा सकती, लेकिन आंखें तो पसंद करती हैं। बोले हां या ना, हां या ना। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है कि टीवी पर पिक्चर ही देखते हैं, बुढ़ापा आ गया भजन करो, बुढ़ापा आ गया भक्ति करो, बुढ़ापा आ गया आस्था देखो, बुढ़ापा आ गया संस्कार देखो, अब पिक्चर क्यों? लेकिन ये आंखें छूटती नहीं ना, ये आंखों को डिशिम डिशिम अच्छे लगते हैं, ये आंखों को गंदे दृश्य अच्छे लगते हैं। और जब तक गंदे दृश्य अच्छे लगेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब तक आप गंदे दृश्य देखते रहेंगे क्या आप माला में मन लगा पाएंगे? प्रश्न है बहुत बड़ा। लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता भगवान के भजन में, कहां से लगेगा मन? तेरा मन तो वहां लगा है, कैसे लगेगा बोलो? मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को अकेले में इंटरनेट कभी मत देना, मोबाइल मत देना, लेकिन बच्चों को तो हम तब मना करें जब बुड्ढे माने। हाँ जी प्लीज माफ करना जो बुजुर्ग यहां बैठे, जो यहां बैठे मैं उनसे तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए उनको आस्था भजन पे सुनाना है मुझे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके लिए बोल रहा हूं मैं ये सारी बातें। आप तो सब कितने भक्त हैं, इतनी दोपहर में यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप तो तपेश्वरी हैं, इतना भयंकर गर्मी और आप बैठे, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ कहीं मिसअंडरस्टैंड कर ले तब श्रोता कम हो जाए कल ना, ऐसा नहीं आपसे नहीं उनसे कह रहा हूं, और ये सच है। बोलिए मैं जो कह रहा हूं वो गलत है क्या? वो सब बता सकते हैं जो अपनी आंखों से आप देखते हैं? आप अपने बच्चों से वो शेयर कर सकते हैं? आप पड़ोसी से शेयर कर सकते हैं? और जब शेयर नहीं कर सकते तो वाई यू आर सी, क्यों? क्योंकि इन आंखों को वो पसंद है, और फिर इन्हीं आंखों से जब भगवान के आगे जाते हैं तो वो दर्शन नहीं करते, भगवान को देख के आ जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन नहीं होता, ऐसे लोग भगवान की प्रतिमा को देख कर आ जाते बस। बिहार जी गए, बोले गए थे वहां अंधेरो है रो बिहार जी में, अब बुढ़े जाते जिंदगी में अंधेरो है तो वहां कैसे अंधेरो ना हो? जहां भगवान वहां अंधेरा हो सकता है बोलो? जहां भगवान मौजूद है त्रिलोकी का प्रकाश जहां मौजूद है वहां अंधेरा कैसे? और ये कहते मां तो अंधेरो ही अंधेरो। अंधेरा इसलिए क्योंकि आंखों की रोशनी डाउन हो गई, गंदे दृश्य देख देख कर आंखें अभी तृप्त नहीं हुई, झिकी नहीं है, पूरी नहीं, अभी तो और चाहती हूं और देखो और देखो। ये आंखों का विषय है देखना, तो इन आंखों को थोड़ा सा चेंज करो, देखना किसको देखे? बांके बिहारी जी गिरवर धारी जी तुमसे ही लागे मेरे नैना, कहां लगे बोलो?
तुमसे ही लागे मेरे ने हो बांके बिहारी जी हो गिरे बरधारी जी तुमसे ही लागे मेरे नैना। गाऊंगा नहीं, समझा रहा हूं, इशारा दे रहा हूं। जब इन आंखों से श्याम का दीदार करने लग जाओगे, श्याम का दर्शन करने लग जाओगे, तो जिन आंखों को भगवान का दर्शन करने की आदत पड़ जाती है ना मेरे भाई बहन, फिर वो आंखें दुनिया के किसी विषय को नहीं देखती। फिर वहां के आगे पिक्चर खिच्चर सब धरी रह जाते, फिर ना देखे कछु। जिन आँखिन में तेरो रूप बस्यो उन आँखिन से अब देखिए कहा कियो जब हिरन को व्यापार। सूरदास बाबा का नाम सुना है ना, सूरदास बाबा को राधा रानी ने नेत्र प्रदान कर दिए थे, ये लो देखो दुनिया। एक कहावत है, अंधे को क्या चाहिए, जोर से बोलिए, आलसी आदमी। अंधे को चाहिए दो आंख, लेकिन उस अंधे को दो आंखें मिली। सूरदास बाबा को सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने दो आंखें दे दी और राधा रानी बोली कि वरदान मांग लो। बोले राधा रानी जो वरदान मांगू सो दे दियो। बोले कुल दूंगी, बताओ का चाहिए। कियो जब हिरन को व्यापार तो कांचन कूले परेखिए कहा जिन आंखिन में तेरो रूप बस्यो उन आंखिन ते अब देखिए कहा। डायमंड का व्यापार करने वाला कभी कांच का व्यापार नहीं करता। वैसे ही जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन कर लिया है, मैं उन नेत्रों से दुनिया को देखना नहीं चाहता। सर्वेश्वरी कृपा कर दो, मेरे को अंधा ही बना दो। ये है भक्ति, ये है सच्ची भक्ति, दिस इज ट्रू लव। भगवान 5 करोड़ का प्रॉफिट करा दो, 11,000 रुपए का भोगला चूल्हे में दे दे तू और तेरे 11,000 अन्ने। भगवान देंगे 5 करोड़, जब लगा बेगो 11,000 को भट्टी में जाए परे, जड़ती भाई भट्टी में लग जा, समन दो लकड़िया की जगह तू देगो वो 5 करोड़। और फिर लगावेगो 11,000 को तू भोग, वो अपने आप ही लगा लेगो 5 करोड़ को भोग है? हाँ या ना बोलो भगवान। अच्छा तू जो समझ रहे होगो कि भगवान तो विचारों को जो जान तू ही ना है, जो हम मांगेंगे सो कर देगो, ले ले झुंझुना बजाइयो घर पे बैठ के, वो सब जानता है। लेकिन वो हमें इसलिए देता है कि देखूं तो सही कि तू मुझे कितना पागल बना सकता है, मैं देखूं तो सही तू मेरे लिए कितना जीता है। वो हमें चेक करता रहता है, दिस इज माय एग्जाम, वो मेरा प्रैक्टिकल है जो मुझे देना है साहब। ये किताब पर लिखने वाला एग्जाम नहीं है, ये जिंदगी में उतरने वाला एग्जाम है कि आखिर मुझे भगवान से मैंने लिया क्या है और भगवान को मुझे देना क्या है। Give and take, you give me, I give you. तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूं। भगवान ने कहा मैंने तो तुझे जिंदगी दे दी जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, अनकाउंटेबल इसकी वैल्यू है। बोल इसके बदले में मुझे क्या देगा, बोल तेरे पास क्या है जो तू मुझे दे सकता है, है तेरे पास कुछ? भगवान ने इसके बारे में कुछ भी नहीं है, बोले है, इससे भी कीमती है तेरा मन, तू अपना मन मुझे दे दे, तेरा मन तू मेरे चरणों में लगा ले, फिर देख तेरा बेड़ा मैं पार कर दूंगा। तू अपना मन मुझे दे दे, तन दुनिया को दे दे, धन भी दुनिया को ही दे दे, नहीं चाहिए तेरा कुछ, लेकिन मन तो दे दे मुझे। और जब तू अपना मन दे देगा तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा रे, तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। क्या बोलना पड़ेगा? आज आपको लग नहीं रहा मैं कुछ अलग मूड में हूं, है ना? मूड अच्छा लग रहा है ना? आज मैं सोच गया था आपको प्रेम की बातें सुनाऊंगा सिर्फ। आंखों का विषय क्या है? देखना। कई भक्त हैं जो आस्था देखते ही रहते हैं।
अभी मेरे को पता चला किसी ने, बोले रात के 12:30 के बाद कथा आती है, वो फिर भी सुबह 4 तक देख रहे हैं। क्यों? उनका विषय बन गया है कि जब तक कथा नहीं सुनेंगे आनंद नहीं आएगा। हमें हमारे विषय का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। नेत्रों का सदुपयोग है मेरे गोविंद का दीदार करना,